फैमिली, वो सब एक कुछ कॉन्सेप्ट लेके उसको एक ड्रामा टेबर रूप में ऐसा नहीं करना है। तो हमको फ्रेंडली रहना है, फ्रेंडली इसके बारे में बात करने की क्या जरूरत है, इफेक्टिव रहना है हमको। काम हमारा जो काम है पुलिस का क्या है, आप बोलिए। हाँ, कितने लोगों, कितना, कितने लोगों को, आप 100 लोग लीजिए, उसमें कितने लोगों को पुलिस से मतलब रहती है? 10, 90 लोगों को कोई मतलब नहीं है। पर उनको क्या है, जब भी यहाँ अमन और शांति बनाए रखी जाती है, उनको लगता है कि पुलिस अच्छा काम कर रहा है। कैसे कर सकते हैं, जो भी क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो भी राउडीज हैं, उन पर सख्ती से हम जब निभाते हैं, सख्ती से हमारी ड्यूटी करते हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, चोर हैं, उनको पकड़ लेते हैं, जो मर्डर्स हैं, कातिल, उनको हम पकड़ लेते हैं करेक्ट टाइम पे। पुलिस मजबूत है, रात में पेट्रोलिंग ठीक से करती है। जब आवाम में ये बात आती है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है, अब 1 बजे दुकान बंद करना है, कोई बंद नहीं कर रहा, पुलिस की बात नहीं सुन रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या फ्रेंडली रहना है क्या उनसे? ये बेकार की बातें नहीं करना, ये फ्रेंडली पुलिसिंग कैसा भी करना है, जो पुलिस स्टेशन में आते हैं लोग, उनके साथ तो फ्रेंडली रहना है, उनसे दोस्ती के नाते हम अच्छे से बात करना है, उनको बिठाना है, पानी पिलाना है, पूछना है कि क्या है आपका, आपकी दिक्कत क्या है, केस करना है, केस करके फिर इन्वेस्टिगेशन करना है, उसको जो भी दिक्कत है उसको दूर करना है, ये सब फ्रेंडली पुलिसिंग में आता है। उसको सेपरेट स्लोगन देने की ज़रूरत कोई नहीं है, हम मानते हैं। तो इफेक्टिव एंड स्ट्रांग पुलिसिंग के बारे में हम बात करेंगे, बस। थैंक यू। ये सरकमस्टांसेस जो है, जो हालात थे, उसकी वजह से हुआ है। खुशी की बात है कि फिर मैं यहाँ पर कोतवाल या सीपी हैदराबाद के रूप में मैं आ सका हूँ, पर काम भी है। अभी मौजूदगी हालात ऐसे हैं कि गणेश हमारे सर पे है, गणेश का निमज्जन है, उसका जुलूस निकलने वाला है, फिर मिलाद का भी त्यौहार है और उसका भी जुलूस निकलने वाला है, और सब लोग ऑफिसर्स हमारे जो भी अफसरान हैं, इस पर पूरे दिल और दिमाग से इसमें जुटे हुए हैं। तो उनसे मैं आज रिव्यू करने आया साउथ जोन, सवेरे गया था कैताबाद गणेश, वहाँ सबसे ऑर्गेनाइजर सबसे बात करके, फिर हमारे ऑफिसर से बात करके, जो पिछले साल जो समय करेक्ट समय पर उन्होंने निकाला था और उसका निमज्जन भी करेक्ट टाइम पर हो गया था, उसी तरीके से ये साल भी करना है। पिछले साल साउथ जोन के आइडल्स जो हैं थोड़ा देरी हुई थी आने में, निकलने में, उसकी वजह से जो फाइनल इमर्शन हुआ वो 4-5 घंटे लेट हो गया, तो ये बार ये गलती नहीं होना है। तो ऑफिसर सबसे बात किए हैं और कैसे मिलाद का भी जो फेस्टिवल है उसके बारे में जो प्रिपरेशन होता है घरों में, और कौन से दिनों में उसका ख्याल रखना है, बंदोबस्त ज़्यादा करना है, ट्रैफिक का मैनेजमेंट करना है, ट्रैफिक डाइवर्जेंस करना है, ये सब भी हम उस पर बातचीत किए हैं। सब लोग तैयार हैं, सब लोग अपने अपने प्लानिंग कर चुके हैं, ब्रीफिंग हो चुका है, और आगे आने वाले दिनों में सबकी मदद से, आवाम की मदद से, और बुजुर्ग जो भी हैं, सब लोग जो पुलिस का साथ दिए हैं इतने वर्षों से, अरसों से, वो सब ये साल भी मिलाद का जुलूस थोड़ा उसको पोस्टपोन करने में भी आ गया है। उनका बहुत दिल से मैं शुक्रिया अदा बोलना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से गणेश के ऑर्गेनाइजर्स जो हैं वो लोग भी सब खुशी से आपका कोऑपरेशन करने के लिए आ गया है। तो हम आगे आने वाले दिनों में ये बंदोबस्त को अमन और शांति के साथ पूरा करने का उसमें जुटे हुए हैं। सर, जैसा आपने अभी कहा होती है पब्लिक और पुलिस के बीच में